पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, इसी कड़ी में गरोट विधायक कार्यालय पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की गई। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव व नगर निकाय में चुनाव का आरक्षण में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व भी होगा। आइए इस बारे में जानते हैं गरोट विधायक देवीलाल धाकड़ ने क्या कहा। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% आरक्षण के अंतर्गत आप पेश कर सकते हैं और पंचायत चुनाव में होंगे, तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्या रहेगा? देखिए, एक्चुअल में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से था। कांग्रेस ने केवल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बनाकर छलावा किया है। जिस समय न्यायालय में इसकी याचिका लगी थी, सरकार कमलनाथ जी की थी, परंतु सरकार की तरफ से पैरवी करने के उनका कोई भी वकील तक खड़ा नहीं हुआ, और उसके कारण जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सरकार भाजपा के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा में अच्छे से अच्छे वकील खड़े किए और ओबीसी आयोग का गठन किया भारतीय जनता पार्टी ने कि ओबीसी वर्ग के इतने % आरक्षण हम दिलाकर रहेंगे, और नियत साफ थी, संविधान में उसका प्रावधान किया है, अध्यादेश लेकर आए। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि शुरू से और ओबीसी आरक्षण 27% देने का भाजपा का संकल्प था, कांग्रेस ने केवल छलावा किया है, और इसलिए अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी फिर एक रिव्यू और लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए और विशेष जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने लेने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में उन्होंने निर्णय किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को और आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। और इसलिए चुनाव तो होना निश्चित, हम चुनाव से डर नहीं रहे, हम भी चाहते चुनाव शीघ्र हो, परंतु ओबीसी वर्ग को इतना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, और इसलिए ये जीत हुई है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसलिए पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में छाई हुई है।